हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होमवर्स। आज हम देखने वाले हैं कि कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर बेस्ट रहेगी, क्योंकि अभी ज़माना तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रहा है। बट उसके पहले क्या सच में इलेक्ट्रिक व्हीकल फ़ायदेमंद सौदा हो सकता है क्या? तो आज तारीख है अगस्त 26। ओके, तो मैंने कुछ व्हीकल्स की प्राइस निकालने की कोशिश की, तो अगर आप देख रहे हो तो ये प्राइस वेरी होती है 1 लाख से 1,50,000 तक। तो ये ओला की स्कूटर है, ओला का कौन सा मॉडल है, S1 करके, ठीक है। तो ये इसके प्राइस 1 लाख तक है। S1 प्रो अगर हम देखते हैं तो ये 1,40,000 तक जाती है। तो ये ओला का हुआ। फिर मैंने और एक मॉडल देखा जो है एम्पियर, और मॉडल नंबर है रेनो या समथिंग कुछ तो है, रियो। ओके, सो रियो करके मॉडल आता है। ये लो स्पीड आता है। लो स्पीड मतलब 25 किलोमीटर पर आवर से इसका स्पीड ज़्यादा नहीं जाएगा, और इसकी वैल्यू आ रही है कुछ 62,000। ओके, इंक्लूडिंग वो सब्सिडी इंक्लूडेड है क्या? यस, सब्सिडी इंक्लूड कर के इतनी वैल्यू आ रही है। ओके, फिर मैंने देखा कि बजाज चेतक कितने में जाती है। ओके, तो जब भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करने वाले तो ऑब्वियसली कि हमें ये भी देखना चाहिए कि उसकी बैटरी की कॉस्ट क्या आने वाली है, क्योंकि बैटरी कभी ना कभी तो ख़राब होने वाली है, तो वो प्राइस कितनी हो सकती है। तो जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया कि ये वैल्यू जो है वो 40,000 से लेके 50,000 तक वैरी हो सकती है। ओके, और अगर मैं इसकी कॉस्ट निकालूँ तो मेरे ख्याल से बजाज चेतक की प्राइस कुछ तो 1,50,000 के आसपास है, और जो 90 किलोमीटर्स का माइलेज देती है, माइलेज इन द सेंस एक चार्ज में वो 90 किलोमीटर जा सकती है। तो फिर एज यूजुअल मैंने डिसाइड किया कि चलो कुछ होमवर्क करते हैं इन सब गाड़ियों के लिए। बट तभी मैं एक जगह, मतलब मुझे ये एक ऑप्शन मिला कि हीरो इलेक्ट्रो। तो बेसिकली हीरो इलेक्ट्रो क्या है, हीरो की साइकिल है जिसमें बैटरी इंटीग्रेटेड है, और उन्होंने ब्रांडिंग की है हीरो इलेक्ट्रो करके। तो इस ये बाइक, मतलब ये साइकिल कितनी चलती है, तो ये 25 किलोमीटर चलती है। यहाँ पे 35 किलोमीटर्स की रेंज बोली है, बट ये पेडल असिस्ट के साथ चलती है, और उसमें ना बहुत छोटी सी बैटरी होती है 6.4 Ah। अगर आप देखोगे तो आप मोबाइल चार्ज करने के लिए जो बैटरी बैंक यूज़ करते हो वो 20,000 mAh ऐसा होता है। तो बेसिकली वो 2 Ah की होती है, तो ये उसके 3 गुना बड़ी बैटरी है। तो मुझे उतना डिटेल में नहीं जाना है, तो अभी हम इसकी प्राइस देखते हैं। हीरो इलेक्ट्रो F3i, तो इसकी प्राइस है समथिंग अराउंड 40,000। ओके, तो ये प्राइस वेरी होती है, कभी 41 रहती है, कभी 40 होती है। अगर आप शोरूम में जाए तो वहाँ पे कुछ आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है, कुछ ऑफ़र अगर चल रही हो तो। तो ये एक चीज़ है। अब आते हैं एनालिसिस। ओके, तो जो हमें होमवर्क करना है वो इस तरीके से रहेगा कि सबसे पहले आपको चूज़ करना है कि आपकी नीड क्या है। बेसिकली बहुत सारे लोग नीड एंड डिज़ायर, इन दोनों शब्दों का बीच का जो अंतर है वो समझ नहीं पाते, और उसके वजह से इल्यूजन में आ जाते हैं और कुछ ऐसा प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं जो बाद में वो पछताते हैं ख़रीदने के बाद। तो अभी हमें एक वाइज डिसीजन लेना है, और वो वाइज डिसीजन हम कैसे लेंगे, तो मुझे डेली ट्रैवल कितना करना पड़ रहा है। जैसे कि मेरा ऑफिस यहाँ से एक 4 किलोमीटर के आसपास है, तो 4×2 मतलब जाने का और आने का, तो 8 किलोमीटर हो गया। और आते जाते टाइम मैं थोड़ा टाइम पास करता हूँ, सब्ज़ी ख़रीदता हूँ, तो और 1 किलोमीटर ऐड कर देता हूँ। तो डेली मैं 10 किलोमीटर से ज़्यादा कुछ ट्रैवल नहीं करता, और महीने का हो गया 300 किलोमीटर। तो बेसिकली मेरा महीने का जो ट्रैवलिंग है वो 300 किलोमीटर्स, इतना ही सीमित है। बाकी मेरे को, मतलब मुझे क्यों चाहिए,
व्हीकल की ज़्यादा अभी शादी होने के बाद यही काम करने पड़ते हैं, ग्रोसरी लाओ, देन आटे के चक्की में जाओ, ऐसे वैसे। ओके, तो वो काम करने के लिए एक व्हीकल चाहिए। देन पार्किंग एंड चार्जिंग फैसिलिटी, अगर मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदनी है तो मैं जहाँ पे पार्क करूँगा वो कवर्ड पार्किंग है क्या? क्योंकि वैसे तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा रहता है कि, ये देखो पहले मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पे लिखा रहता है कि ये जो बैटरी है वो IP67 प्रोटेक्शन। अब ये प्रोटेक्शन क्या है ये आपको गूगल करके देखना है, क्योंकि अगर मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट भी लूँ, ओके, तो उस केस में मुझे यही सब जगह पे दिखता है। ये देखिए IP67 वाटर प्रोटेक्शन, शायद ये वाटर प्रोटेक्शन का कुछ स्टैंडर्ड्स रहेगा। ओके, तो हमें उसमें नहीं जाना है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो ये चीज़। तो अगर आप ख़रीद रहे हो इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आपको पार्किंग सही से होनी चाहिए, पार्किंग में आप चार्जिंग फैसिलिटी लगा इजीली लगा सकते हो, ये एक ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए। चौथा पॉइंट है वो है इकोनॉमी और मनी सेविंग। लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों लेंगे, सिंपल सा सवाल है, नहीं सिंपल सा जवाब यही होगा कि पैसे बचाने के लिए, और शायद पेट्रोल पंप पे ना जाके मैं घर पे ही चार्ज करूँगा, तो कितना इजी है, आसान है, और जो भी मतलब ब्यूटीफुल जो भी उनको लगेगा वो सब चीज़ें। तो अभी मैं इसके रिगार्डिंग कैलकुलेशन करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, दिस इज़ नॉट ए एग्जांपल, बेसिकली दिस इज़ अ फैक्ट, और मुझे इतना ही किलोमीटर ट्रैवल करना रहता है। तो अभी वापस आते हैं नीचे, जो है एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल का कैलकुलेशन। तो अभी मैंने ये कॉस्ट पकड़ ली 1,50,000, तो बैटरी की वारंटी 3 इयर्स तक। अभी मैं वापस वहाँ पे चलता हूँ कि ये मैंने बैटरी वारंटी कहाँ से लाया। ओके, तो बेसिकली अगर आप किसी भी वेंडर के पास जाओगे या कंपनी के पास, तो आपको वो बैटरी पे वारंटी देंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 इयर्स में 50,000, जो जल्दी आएगा वो कंसीडर किया जाएगा। ओके, तो हम वापस आते हैं हमारे एनालिसिस पे। तो ये बैटरी का वारंटी है, तो मतलब 3 साल के बाद शायद आपकी बैटरी ख़राब हो सकती है, भगवान ना करे कि आपकी बैटरी 3 साल में ख़राब हो जाए, वो मस्त 10 साल चले। ओके, बट अगर कोई कंपनी वारंटी उतनी देती है, इसका मतलब उस टाइम तक तो वो चलेगी ही चलेगी, क्योंकि उन्होंने वो टेस्टिंग की है। ओके, बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये वारंटी हो गई, ओके, जो भी कंपनी देंगी, ब्रांड टू ब्रांड ये चेंज होगी। ओके, अगर आप एम्पियर की देखोगे तो शायद ये कुछ कम भी हो सकती है, ओके, या ज़्यादा भी हो सकती है। तो फर्स्ट 3 ईयर फिक्स कॉस्ट, अभी ये मैं क्या बता रहा हूँ कि बैटरी कब एक्सपायर होने वाली है, 3 साल के बाद या 50,000 किलोमीटर, मतलब इधर तक तो वारंटी है, इधर तक आपको अगर बैटरी ख़राब होती है तो आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देना है, क्योंकि वारंटी है बैटरी पे, आपको नई बैटरी मिल जाएगी। नई बैटरी मिलेगी या नहीं वो आप उनके टर्म्स कंडीशन में पढ़ लेना, ओके, बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि नई बैटरी मिलती है। ओके, एंड फर्स्ट 3 ईयर्स फिक्स कॉस्ट पर डे। ओके, तो अगर मैं ये पूरी बाइक की कॉस्ट अगर 1,50,000 या 1,40,000 ले ली, डिवाइडेड बाय 1,095, अब ये 1,095 क्या है, तो साल में 365 डेज रहते हैं, इंटू 3 किया तो ये 1,095 आ जाते हैं, तो मतलब ₹137 ये आपको पॉकेट से जाएंगे पर डे, क्योंकि आपने ये बाइक खरीदी है, और हम ये कंसीडर कर रहे हैं 3 साल के लिए। ओके, तो पहले 3 साल के लिए इतना खर्चा आपके पास होने ही वाला है, चाहे आप वो व्हीकल यूज़ करो या ना करो, आपने बस एक मस्त दिखने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल घर के सामने खड़ी कर दी। ओके, तो आपको इतना खर्चा दिन में देना है, मतलब दिन के 137 रुपीज़, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन ऐसे की है। पूरा कैलकुलेशन सुन लो, इंटरेस्टिंग है।
तो ये कॉस्ट हो गई, अगर कॉस्ट कम रहेगी तो ये वैल्यू भी कम होने वाली है। ओके तो ये आपको इतना देना है 137। ओके देन बैटरी कैपेसिटी, अब आते हैं उसके रनिंग कॉस्ट पे। ये फिक्स कॉस्ट हो गई, इतना तो आपको देना ही है हर दिन अगले 3 साल तक, क्योंकि मैं पकड़ रहा हूँ कि 3 साल तक बैटरी को कुछ इश्यू नहीं आने वाला है, ठीक है। देन बैटरी कैपेसिटी, अभी मान लो कि बैटरी कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 2 किलोवाट टू 3 किलोवाट के बीच में वेरी होती है। अगर मैं चेतक का एग्जांपल लूँ तो उनकी बैटरी इतने कैपेसिटी की है। अब 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट, हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे नापते हैं तो यूनिट में नापते हैं, तो 1 यूनिट मतलब कितना हुआ, तो 1 किलोवाट पर आवर, सॉरी 1 किलोवाट आवर हो गया। ओके तो ये मैंने गूगल किया था कि ये रेट कितना है, अगर आप चाहते हो तो आपको पता चलेगा कि मैंने कहीं पे निकाला था कि यूनिट का रेट कितना है। तो कहीं पे तो मुझे ये मिला था कि इतना रेट जाएगा, हाँ यहाँ पे है, ठीक है, 101 to 300 7.34। ओके तो ये मैंने कहीं पे पढ़ा था, तो अब ये जाने दो, ये कैलकुलेशन इज मैंने ऑलरेडी आपके लिए करके रखा है। तो हम वापस आते हैं कि ये मुझे रेट मिला था, आप 7 मान लो या 7.5, जो भी आपके सिटी में रहेगा वो पकड़ लो। तो आपको करना क्या है, जो बैटरी की कैपेसिटी है उसको मल्टीप्लाई करना है, ओके वो यूनिट से। तो ये आ गया खर्चा उस बैटरी को चार्ज करने का, और कंपनी क्या बोलती है, रेंज देते हैं। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लोगे तो उसकी एक रेंज रहेगी, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने कुछ तो 90 के आसपास, हाँ 90 किलोमीटर क्लेम किया है। ओके तो 90 मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आप कमेंट में बता देना एग्जैक्ट कितना देती है, बट मैं ये 90 के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, 19 रुपये खर्चा आ गया और 90 रुपीज़ 90 किलोमीटर जाता है, मतलब 1 किलोमीटर के लिए कितना खर्चा आया, 0.21 रुपीज़। तो ये बेसिकली हो जाता है 21 पैसा। ओके तो ये 21 पैसा पर किलोमीटर, करेक्ट। तो अगर मेरा मेरे केस में मेरी केस क्या थी कि मुझे कितना जाना है, 10 किलोमीटर डेली ट्रैवल करना है, तो मेरे केस में 10 किलोमीटर डेली का ट्रैवल करने के लिए मुझे कितना खर्चा आ रहा है, तो इतना खर्चा आ रहा है, सिर्फ 2 रुपये 1 पैसे, सॉरी 2 रुपये 10 पैसे, इतना ही खर्चा आ रहा है मुझे। तो ये बहुत ही ऑसम लग रहा है, ओके बट आप ये मत भूलो कि आपको डेली इतना भी आपको पॉकेट से जा रहा है 137। ओके तो अब हम आ जाते हैं ये वाले इस पे, कि अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके ट्रैवल करता हूँ कितना, 10 किलोमीटर, तो मेरे पहले 3 साल में मेरे पॉकेट से कितना पैसा जाने वाला है, सो इट इज़ 139 रुपीज़ 10 पैसे। ओके तो इतना जाने ही वाला है। अब मान लो कि अभी मेरे पास इतना बजट है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, सोचेंगे कि अरे इतने रुपीज़ का पेट्रोल डालूँ तो क्या बुरा है, बहुत लोग ऐसा ही सोचते हैं, बहुत लोग मतलब बहुत लोग ही हैं, तो अरे इतने से अच्छा इतने का पेट्रोल डालूंगा तो अगले 10 साल में आराम से चला लूँगा। तो ठीक है, वो वाले केस भी हम कंसीडर करेंगे। तो ये आ गए हैं हम ऊपर, नीचे, हाँ तो यहाँ पे आ गए। अभी मान लो कि मैंने एक एक्टिवा खरीद ली या स्कूटी खरीद ली सेकंड हैंड, ओके तो सेकंड हैंड एक्टिवा जैसे आपने बार्गेन की या जैसे आपको मिली उस हिसाब से, तो मैंने अप्रोक्सीमेटली ले लिया 25,000 में मैंने एक एक्टिवा या स्कूटी खरीद ली। वैसे मेरे पास स्कूटी है और मेरी स्कूटी आप सुनोगे तो इतना ही माइलेज देती है, 50 किलोमीटर
का माइलेज देती है, वो भी 2 लीटर में। ओके, तो माइलेज हो गया 25 किलोमीटर ही। तो मैं हमेशा इतने का पेट्रोल भरता हूँ, क्योंकि पेट्रोल में भी फ्रॉड होते हैं ऐसा मैंने सुना है, कि अगर हम राउंड फिगर का पेट्रोल डालेंगे तो कुछ कम पेट्रोल आता है। इसलिए मैं थोड़ा ऑड फिगर का भरता हूँ, क्योंकि अब तो यूपीआई से पेमेंट करना रहता है, वो चिल्लर की झंझट ही नहीं। ओके गाइज, वी आर डिस्ट्रैक्टिंग, कमिंग बैक टू द पॉइंट। सो अगर मैं ख़रीदता हूँ सेकेंड हैंड स्कूटी, अब ईयरली उसको एटलीस्ट एक सर्विसिंग भी करता हूँ, तो 260 रुपये का तो वो ऑयल लेती है, सर्विस चार्जेस अलग से, ऊपर से पीयूसी। ओके, पीयूसी का मतलब, ओके वी शुड नॉट टॉक ऑन दिस पॉइंट। तो इतना खर्चा मिनिमम रहेगा, एंड फर्स्ट 3 ईयर्स पर डे फिक्स कॉस्ट। ओके, सो बेसिकली अभी मैं इसका प्राइस ऐड करता हूँ, तो ये मैंने क्या किया, 3 साल के लिए कितना जाने वाला है। मैंने सेकंड हैंड स्कूटी ख़रीद ली, तो ये मैंने ये मेंटेनेंस वाला ऐड किया, जो सर्विसिंग करने वाले, और ये कॉस्ट, तो ये उसकी टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय 3 साल के नंबर ऑफ डेज, मतलब 1095। ओके, तो 1095 से अगर करते हैं तो ये इतना आता है। अब आप सोचोगे, अरे 24.47, ये तो कम आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल से। तो गाइज, मैंने सेकेंड हैंड स्कूटी ख़रीदी है, अगर आप नई एक्टिवा या ये लेते हो तो वो अमाउंट भी ज़्यादा ही आने वाला है। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे 137 आपके पॉकेट से जा रहा था, और वहाँ पे कितना जा रहा है, बहुत ही कम जा रहा है। बट जब रनिंग कॉस्ट की, जब मैं रनिंग कॉस्ट ऐड करूँगा, तब आप देख लेना कि कैलकुलेशन क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 137, और रनिंग कॉस्ट कितनी है इसकी, 139। अब आते हैं वहाँ पर स्कूटी वाले केस पे, सेकंड हैंड स्कूटी है, नॉट अ न्यू ब्रांड न्यू स्कूटी। तो यहाँ पे आ जाते हैं, और अगर हम कैलकुलेट करते हैं, अभी मेरे स्कूटी का माइलेज नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वो तो 1 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर चलने के लिए 4 रुपये खाती है। ओके, तो उससे नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम थोड़ी बेटर स्कूटी का माइलेज कंसिडर करते हैं, या एज्यूम करते हैं। आपको भी पता है कि स्कूटी सच में इतना माइलेज देती है क्या। तो स्कूटी वाले क्लास में कौन सी गाड़ी आती है, एक्टिवा आती है, जुपिटर आती है, वेस्पा आती है, बहुत सारी आती है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपको पता है कितना माइलेज देती है आपकी स्कूटी, तो एज्यूम करते हैं कि 40 क्या 40 दे रही है। पेट्रोल का रेट मैंने पकड़ा है ₹100, क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो पेट्रोल का रेट तो कम ही होगा, डे बाय डे पेट्रोल रेट विल बी क्या, चीपर, राइट। एनीवेज, तो हम ये एज्यूम करते हैं 100, 100 को मैंने डिवाइड किया, तो ये क्या आ गया, पर किलोमीटर चलने का कॉस्ट। तो जुपिटर एक्टिवा स्कूटी जो एक्टिव माइलेज दे रही होगी 40 की, तो उनकी रनिंग कॉस्ट आ गई 2.5। अभी मैं कितना, मेरे केस में मुझे कितना जाना है, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर के लिए क्या हो गया, रनिंग कॉस्ट ₹25। ओके, तो मैंने क्या किया, ये मेरी फिक्स कॉस्ट थी पहले 3 साल तक। तो बट ये फिक्स कॉस्ट मतलब क्या, ये मुझे हर दिन देनी है, मेरे पॉकेट से जाने वाले इतने पैसे, तभी ये मैं प्राइस क्या करूँगा, अचीव कर पाऊँगा। तो ये रुपीस प्लस ये रनिंग कॉस्ट, अब ये आ गया 149। ओके सॉरी, 149 नहीं, 49। तो ₹50 में ये चल रहा है गणित, करेक्ट। ये गणित कितने में चल रहा है, 49 में। और अगर आप ये देख रहे हो ऊपर, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने में जा रही है, 139। तो आप सोचोगे कि यार इलेक्ट्रिक व्हीकल तो महंगी जा रही है, और मेरी सेकंड हैंड स्कूटी जो बकवास माइलेज देने के बाद भी अच्छी मतलब काम कर रही है। ओके, तो क्यों ना मैं सेकंड हैंड स्कूटी लेके इस इकोनॉमी पे चलाऊं। ओके, बट गाइज देर इज़ अ गेम चेंजर।
अभी हम आते हैं यहाँ पे, नहीं उसके बाद हमें एक साइकिल का भी तो देखना है। हर एक के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल या वो खरीदने का पैसा नहीं है, तो कुछ लोग साइकिल भी खरीद लेते हैं। तो मान लो कि साइकिल की कॉस्ट है 40,000। ओके, आपने बहुत ही अच्छी बार्गेन करके 41,000 की साइकिल 40 में ख़रीद ली। ओके, तो हम मान लेते हैं कि 3 साल तक आपके पॉकेट से कितने जाने वाले हैं पैसे डेली बेसिस पे। ओके, तो 36 रुपये 52 पैसे। ओके, तो ये कैसे मैंने कैलकुलेट किया, ये साइकिल का प्राइस डिवाइडेड बाय 365 × 3, मतलब 3 साल के ये नंबर ऑफ डेज। अब आते हैं बैटरी कैपेसिटी। साइकिल की बैटरी बहुत ही छोटी होती है। ओके, तो वो इतने ही कैपेसिटी की है। तो अभी ये वही फंडा है कि 1 kWh मीन्स 1 यूनिट, तो कितने यूनिट्स लगेंगे वो हम, और उस यूनिट का रेट। तो बेसिकली दिस इज़ द रेट फॉर 1 यूनिट इन पुणे सिटी। तो अभी हम ये कर लेते हैं कंज्यूम, आई मीन ये कैपेसिटी बैटरी की मल्टीप्लाई बाय यूनिट रेट। तो ये आ गया चार्जिंग का खर्चा, 1 rupees 50 paise। ओके, 51 पैसे। अब ये कितने रेंज के लिए 25 किलोमीटर जा सकती है, मतलब अगर मैं 1.5 रुपये खर्चा करता हूँ तो साइकिल कितनी जा रही है, 25 किलोमीटर जा रही है। अब रनिंग कॉस्ट निकालते हैं इसका, तो रनिंग कॉस्ट आ गया 6 पैसा पर किलोमीटर, और मेरे केस पता ही है आपको, मुझे 10 किलोमीटर डेली कम्यूट करना है। ओके, मान लो कि मैं तुकई दर्शन जाने दो, ओके दैट इज़ वन ऑफ द प्लेस इन पुणे, अगर मुझे वहाँ तक ट्रैवल करना है या वहाँ से मैं ऑफिस जा रहा हूँ या जो भी, तो वहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो इट विल बी ऑफ 0.60, मतलब 60 पैसे में मैं 10 किलोमीटर घूम सकता हूँ, जो मुझे PMT बस भी नहीं घुमा सकती। ठीक है, वो वाला कैलकुलेशन आ रहा है, बहुत ही तगड़ा कैलकुलेशन आ रहा है। बट ये तो रनिंग कॉस्ट है ना, हमें तो फिक्स कॉस्ट भी ऐड करनी पड़ेगी। तो ये मैंने यहाँ पे फिक्स कॉस्ट प्लस रनिंग कॉस्ट ऐड कर दी, और ये मेरे पॉकेट से निकाल रही है 37.12 रुपीस 10 किलोमीटर के लिए। ओके, अब हम वापस यहाँ पर आते हैं। पेट्रोल की बाइक कितना निकाल रही थी, 49। ओके, तो मैं साइकिल पे जा रहा हूँ और आ रहा हूँ, मेरी सब काम साइकिल पे हो रही है, और वो मुझे पेट्रोल बाइक से भी सस्ती जा रही है। ओके, अगले 3 साल मैं साइकिल यूज़ करता हूँ। तो इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है, वो मैं बताऊँगा। बट और एक गेम चेंजर है, वो मैंने अभी तक बताया नहीं है। तो वो ये है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट हमने पहले 3 साल तक निकाली थी, अब 3 साल के बाद क्या जादू होता है वो हमें देखना है। ओके, तो ये देखो कि 3 ईयर्स या 50,000 किलोमीटर चलने के बाद आपको खर्चा आएगा बैटरी का लगभग 40,000। ओके, तो अगर 40,000 खर्चा आ रहा है आपको, तो उस केस में हम फिर से वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि अब ये बैटरी फिर से 3 ईयर तक चलेगी, क्योंकि बैटरी की वारंटी 3 ईयर्स है ना, अगर मैं नई खरीदता हूँ फिर भी वो 3 ईयर्स ही जाएगी, ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ। ओके, मैंने कुछ टर्म्स कंडीशन पढ़े नहीं है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ और ये मेरी राय है, इस पर कुछ भी कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। ओके, सो आइदर यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो और यू कैन टोटली इग्नोर दिस वीडियो, इट इज़ अप टू यू। सो 3 साल के लिए अगर हम ये बैटरी नहीं खरीदते तो उसका फिक्स कॉस्ट है 36 रुपये और रनिंग कॉस्ट है ये। तो अब ये 10 किलोमीटर अगर मुझे चलना है, ओके सॉरी यहाँ पे मैंने क्या किया, 2.1, हाँ करेक्ट, यहाँ पे मैंने निकाला था 10 किलोमीटर के लिए मुझे कितना खर्चा आता है, तो 2.1, और बैटरी रिप्लेस करने के बाद
कितना आ गया फिर ये रनिंग कॉस्ट? 39 पे आ गई, जो पहली 139 थी वो अब हो गई है 39 रुपीज़। तो मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको 3 साल के बाद आपको ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, क्योंकि तब आपको सिर्फ मेंटेन क्या करना है उसकी बैटरी। तो ये कॉस्ट 39 पे आएगी। और अगर हम आ जाते हैं पेट्रोल वाले गाड़ी पे, आपको समझ में आ रहा है ना ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया? मान लो कि आपकी बैटरी ख़राब हो जाती है और आपने नई बैटरी डाली, तो बैटरी का जो ओवरहेड है वो इलेक्ट्रिक बाइक लेते टाइम हमेशा आपको ध्यान में रखना है। और ये अब इसकी कांस्टेंट रहेगा प्राइस, ओके? कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर मान लो कि वो 10 साल तक इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करने वाले हैं, ओके? तो फिर मैंने यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया था कि ये जो पूरी प्राइस है उसको 3 साल से डिवाइड किया था। यहाँ पे अगर आप 10 साल से डिवाइड करते हो तो आपका ये कॉस्ट और ये वाला कॉस्ट, ये नहीं, यहाँ पे ये चेंज होता है। अगर 10 साल के लिए आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये वाला कॉस्ट भी इधर वाले में ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने ये सिंप्लीफाइड तरीके से ही आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि क्या पता 6 साल बाद और कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, फिर हमें उधर मूव होना पड़ेगा। तो गाइज दिस इज़ हाउ इट इज़, एंड ये 39 आ गया। अभी हम वापस चलते हैं पेट्रोल वाले पे। तो पेट्रोल वाले पे देख लो कि हमारा 49 था, ओके? 49 कब तक था? पहले 3 साल। तो पहले 3 साल अगर आप देखोगे, पहले 3 साल अगर आप देखोगे तो पेट्रोल की गाड़ी की जो रनिंग कॉस्ट थी सिर्फ 10 किलोमीटर के लिए, वो कम थी इलेक्ट्रिक व्हीकल से। बट अगर 3 साल के बाद भी अगर आप चलाते हो तो यहाँ पे बैटरी की कोई कॉस्ट नहीं है, तो ये 0 हो गई। और मुझे डेली का खर्चा कितना है? 25, 25 रुपये आ रहा है। माइलेज हमारी बाइक कितनी दे रही है? 2.5। पेट्रोल का रेट मैंने कितना पकड़ा है? 100 रुपीज़, क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं। क्यों? तो ये हो गया ₹25। ओके, तो आप अभी कंपेयर करके देख लो कि यहाँ पर कितना जा रहा है, 39, राइट? 3 साल के बाद अगर मैं बैटरी की गाड़ी चला रहा हूँ 10 किलोमीटर के लिए, तो ये कितना जा रहा है, 39। और यही मैं चला रहा हूँ पेट्रोल की गाड़ी, तो कितना जा रहा है, 25। अगर कुछ कैलकुलेशन में गलती की है मैंने तो आप बता सकते हो। हाँ, यहाँ पे मैंने ये वाला मेंटेनेंस नहीं कंसीडर किया है जो है 1800, ओके? तो ये एक गलती की है मैंने वैसे, ओके? तो ये 1800 सर्विसिंग करता हूँ मैं, तो ये कितना आएगा? अभी कैलकुलेट करते हैं फटाक से, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। वैसे हमने बहुत वीडियो लंबा खींच गया है। 1800 डिवाइडेड बाय 1095, ओके, तो ये 1.6 आ रहा है। तो यहाँ पे ये जोड़ देते हैं 1.6, जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो बन जाएगा 26.5। फिर भी ये कम आ रहा है। तो आपको डिसीजन ये लेना है कि सच में मुझे इलेक्ट्रिक बाइक खरीदनी है क्या। अब आते हैं और एक इस पे, जो है इलेक्ट्रिक साइकिल। इलेक्ट्रिक साइकिल की भी बैटरी की कुछ कॉस्ट लगेगी ही ना, तो वो मैंने शोरूम में जाके देखी थी, पूछी थी सेल्स पर्सन से। तो उन्होंने कुछ तो 8000 या 12000 बोला था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये 12000 है। तो 12000 को भी मैं 1095 से डिवाइड करता हूँ, तो ये जो प्राइस निकल के आ रही है वो एक चाय सुट्टे की प्राइस है। तो अगर मैं फर्स्ट 3 इयर्स, ओके, आफ्टर क्या मतलब बैटरी, बट
बेसिकली टू बी फ्रैंक, ये जो वारंटी है ना साइकिल पे, इतना कोई वारंटी नहीं देता 3 इयर्स की, वो 1 ईयर की ही रहती है। तो शायद आपको साइकिल की बैटरी ना 1 ईयर के बाद भी बदलना पड़ सकती है। ओके, तो ये भी एक चीज़ है। बट द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज़, वो मैं बताने वाला हूँ, रुको पहले ये ख़त्म करने दो। तो ये जो चीज़ है ₹10.95, ओके, ये क्या आ गई मेरी बैटरी की कॉस्ट। मान लेता हूँ, अज्यूम करता हूँ कि ये 3 साल तक सही से जाती है बैटरी, क्योंकि अगर मोबाइल की बैटरी जा सकती है, अगर आपकी क्या बोलते हैं बैटरी, पावर बैंक की बैटरी आपको सपोर्ट कर सकती है 3 साल तक, तो ये उससे 3 गुना ज़्यादा बैटरी है। ओके, तो ये भी अगर आप ओवरचार्ज नहीं करोगे, सही से यूज़ करोगे, तो ये शायद जाएगी। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऐसे बन के आता है कि इसका डेली का खर्चा आ जाता है 11.55 रुपीस। ओके, बट मैंने ये 1 ईयर कैलकुलेशन से कैलकुलेट करना चाहिए था, ये मैंने गलती कर दी। मैंने यहाँ पे ये 3 इयर्स एज्यूम कर लिया। तो एक बार आप हीरो के शोरूम में जाके एग्जैक्ट चेक करना कि जो बैटरी की वारंटी है वो कितने साल तक है, 2 साल तक है या 1 साल तक है या 6 महीने ही है, वो भी आप एक बार कंफर्म कर लेना। तो ये है इसकी रनिंग कॉस्ट साइकिल की। पहले ये इतनी थी, क्योंकि इसमें हमें ये प्राइस भी मैंने जोड़ा था जो है 40,000, बट 3 साल के बाद रनिंग कॉस्ट रहेगी 11 रुपीज़ 10 किलोमीटर के लिए। तो दैट इज़ ऑल्सो अफोर्डेबल डील कह सकते हो। तब चाय सुट्टा भी महंगा हो जाएगा। ओके, तो चाय सुट्टे के प्राइस में आप 10 किलोमीटर जा सकते हो। अब जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगता है, अभी मैंने सब प्रैक्टिकली कैलकुलेट तो कर लिया, अब मुझे डिसीजन लेना है कि मुझे साइकिल लेनी है या सेकंड हैंड। स्कूटी तो है वैसे मेरे पास सेकंड हैंड, बट नई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेनी है स्कूटी बेच के या नहीं। तो 10 साल का अगर मैं यही कैलकुलेशन से, ये मैंने प्रूव कर दिया है कि 10 किलोमीटर जाना है तो स्कूटीज फिजिबल सॉल्यूशन। अगर मैं कुछ कैलकुलेशन में गलत कर रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बट अगर आपको 10 किलोमीटर से ज़्यादा जाते हो, जैसे कि 40 किलोमीटर आपका डेली का कम्यूट है, तो यहाँ पे ये सब चेंज होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप 40 करते हो तो ये बढ़ेगा ₹160, और यहाँ पे गेम चेंजिंग है। समझ में आ रहा है? तो आपका बहुत ही कम ट्रैवल है, पेट्रोल व्हीकल इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू। ओके, आपका एक लिमिट से ज़्यादा, मतलब उसे ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं बेसिकली, कि मुझे कितने किलोमीटर डेली चलानी चाहिए जिसके वजह से मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ती पड़े। ओके, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। मैंने कैलकुलेट कैसे करते हैं ये तो बता दिया, और बेसिकली मैंने ना ये सेकंड हैंड एक्टिवा या स्कूटी के लिए बताया। अगर आप नए की प्राइस लोगे तो ये 80,000 हो जाती है। 80,000 हो गई तो ये वाली जो कॉस्ट है वो अपने आप बढ़ेगी। ओके, तो अगर मैं 80,000 को, अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो ये कॉस्ट ज़्यादा ही आने वाली है। तो ये 82 रुपीज़ आ रही है। ओके, फिर भी ओके, नहीं, 82 रुपीज़। अब देखो गेम कैसे चेंज हो रहा है। 82 रुपीज़ प्लस ₹160 हमें ऐड करना पड़ेगा, राइट? ये कौन सा है, रनिंग कॉस्ट 2.5 × 40। कितना आता है ये भी कैलकुलेट करता हूँ। गणित कच्चा है ना, इसलिए कैलकुलेटर लेना पड़ता है। ये 82 यहाँ लिख लेता हूँ, और हंड्रेड
डिवाइडेड बाय 40, सॉरी वो नहीं, हमें कैलकुलेट करना था, 2.5 इंटू 40, तो ये आ गया 100। अरे इतना सिंपल कैलकुलेशन था, 100। तो देख लो, अगर आप नहीं लेते हो, खरीदते हो, तो ये 182 जा रहा है कितने लिए, 40 के लिए। तो अब मैंने दोनों तरीके से दिखाया आपको, इसकी रनिंग कॉस्ट निकाल के देखी दिखाई, ये इतनी जा रही थी पहले 3 साल तक, ओके। बाद में आपने मान लो कि सेकेंड हैंड की जगह फर्स्ट हैंड ले ली, ओके, मतलब नई एक्टिवा या स्कूटी लेते हो, उस टाइम अगर उसकी प्राइजेस भी बहुत ही आज तक 1 लाख तक जाती है, बट मैंने कम पकड़ी है, 80 हज़ार। 80 हज़ार पकड़ के भी अगर इतना जाता है 182, ओके, तो आप डिसीजन अभी वेरी इजीली और वाइजली ले सकते हो। अगर 40 किलोमीटर तक जाना है, 40 किलोमीटर आ जाके, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ गुड ऑप्शन फॉर यू। बट मैंने कभी इलेक्ट्रिक व्हीकल चला ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सच में उतना माइलेज देती है क्या, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे। मतलब मुझे बताने से क्या होगा कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग कमेंट्स पढ़ेंगे एंड दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस कि मुझे ये सच में इलेक्ट्रिक बाइक खरीदनी चाहिए या नहीं, उसमें क्या क्या इशू आ सकते हैं, माइलेज, क्योंकि हमारा मोबाइल कैसे, पहले 1 साल अच्छा बैटरी बैकअप देता है, फिर उसका बैटरी बैकअप कम हो जाता है, फिर और कम हो जाता है। तो जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का बैटरी बैकअप कम हो जाएगा, इसका मतलब वो कम किलोमीटर चलेगी, तो वो कम किलोमीटर कितना हो सकता है, मतलब कंपनी ने क्या दिया था और आपको कितना मिल रहा है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, नॉट कंपल्सरी। और तो अल्टीमेटली मुझे ये लग रहा है कि मैं साइकिल ही खरीद लूँ, क्योंकि एक तो ये मेरे बजट में भी आएगी, 40,000 साइकिल के लिए ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है, बट बाय लुकिंग एट 3 ईयर्स, ओके, 3 ईयर्स अगर मैं स्कूटी भी चलाता हूँ, ओके, अच्छी माइलेज देने वाली स्कूटी, ओके, तो वो भी कितने में जा रही थी, थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, वो भी महंगी जाती है, मतलब बेसिकली अगर ये मेरी स्कूटी जो माइलेज देती है वो बहुत कम देती है, तो अगर इससे भी मैं जोड़ लूँ तो ये 40, ओके, 25 रुपये का आता है, ठीक है। ये तो अगर आपका, आप डेली 40 रुपीज़ निकाल सकते हो अगले 3 साल तक, तो आप ये बैटरी वाली साइकिल ले सकते हैं। हाँ, जो मैंने बात अभी तक बोली नहीं, वो बात यह है कि अगर आपकी, अब और एक सिनेरियो लेते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो आपको कंसीडर करना चाहिए, जो मैंने कंसीडर किया और जिसके वजह से मेरा 90% डिसीजन हो गया है कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की जगह इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदूं। उसका रीज़न ये है कि अगर मुझे जाना है 10 किलोमीटर, ओके, साइकिल माइलेज देती है 25 किलोमीटर, मान लेते हैं कि वो उतना देती नहीं और 20 किलोमीटर ही देती है, और मेरी बैटरी पूरी चार्ज नहीं है, 50% ही चार्ज है, तो वो कितना जाएगी, मतलब उसकी कैपेसिटी है 25 किलोमीटर्स, बट वो एक्चुअल में देती है 20 किलोमीटर्स, ओके। अब मुझे क्या करना है कि बैटरी मेरी है 50% ही, तो वो अल्टीमेटली कितना जाएगी, 10 किलोमीटर, दिस इज़ एजम्पशन, शायद वो 9 किलोमीटर्स भी जा सकती है। तो एटलीस्ट मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे हरी है तो मैं फटाक से, मैंने साइकिल निकाली, आजकल आपको पता ही है कि कितना ट्रैफिक होता है, साइकिल ही टाइम पे आपको पहुँचा सकती है, तो मैं मेरे डेस्टिनेशन पे पहुँच गया ऑन बैटरी मोड, ओके। और आते टाइम मैं क्या किया, मैंने पेडल मोड ऑन किया, मतलब
मैनुअल एफर्ट्स डालेंगे रहने के लिए, तो ये पॉसिबल है। बट अगर यही आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो, ओके, और उसकी बैटरी मान लो कि 10% पे है या 20% पे है, तो आप वो रिस्क ले नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि शायद ट्रैफिक ज़्यादा मिला या कुछ भी हुआ, और ये बैटरी ने अगर मैं उतने बैकअप में घर वापस नहीं आ सकता, सिर्फ वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। तो ये है ब्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक साइकिल। अभी मैंने कुछ इश्यू ऐसे भी देखे कि कुछ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बीच में ही बंद पड़ जाती है। ओके, न्यूज़ में मैंने पढ़ा था, नाम तो मैं लेना नहीं चाहता किसी व्हीकल का, बट अगर ये बंद पड़ती है तो कुछ भी बग हो सकता है, सॉफ्टवेयर बग, या जो यूज़र है उसे चलाने को पता नहीं है, या उसने वो सही से बैटरी देखी नहीं होगी, या जो भी एक्स वाई जेड। ओके, तो यूज़र एरर्स भी हो सकते हैं, हमेशा कंपनी का फॉल्ट होगा ही, ज़रूरी नहीं। बट उस केस में अगर गाड़ी बंद पड़ती है तो आप इतना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिर कस्टमर केयर को कॉल करोगे, ये वो। तो एटलीस्ट अगर साइकिल है तो मैं साइकिल से वापस घर तक आ सकता हूँ। ठीक है, मेरी मोटर बंद पड़ी, बीच में कुछ हुआ, बैटरी नहीं चल रही, तो वापस तो आ सकता हूँ घर पे, एटलीस्ट वो ऑप्शन तो है मेरे पास। तो जिनका कम्यूट 10 किलोमीटर से कम है टू एंड फ्रो, या 20 किलोमीटर से कम है, तो वो उनके लिए साइकिल एक ऑप्शन हो सकता है। सो दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड गाइज प्लीज डो नॉट प्रेस द बेल आइकॉन, डो नॉट सब्सक्राइब। थैंक यू।